हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग विद टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा क्लास इलेवेंथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में देर इज़ अ टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा सो वी ऑल नो दैट हमने आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन में देखा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज देयर जिसमें से किंगडम मोनेरा जो था दैट वॉज़ प्रो एंड किंगडम प्रोटिस्टा से हमारे यू स्टार्ट हो जाते हैं फाइन सो यूनि है एंड यू कैरेआट स्टार्ट हो जाते हैं एंड uh, जो मोनेरा था इट वॉज यूनिसेलुलर बट एंड प्रो कैरेटिक तो यू कैरेआट्स हैं प्रोटेस्टा तो यू कैरेट्स में हमें पता है यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस सो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है ओके सो दे आर जनरली जर्नरलीएटिक तो हैबिटेट कैसा है इनका एक्एटिक इट कैन बी पॉन्ड इट कैन बी लेक और रिवर एनी थिंग

हमारा क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स ये सब अवेलेबल हैं इसके अंदर यूकैरियोट में तो हमें पता है जैसे डेफिनेशन यूकैरियोट की वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होगी एंड मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज भी प्रेजेंट होंगी इनमें एंड इनकी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है दे कैन हैव फ्लैजिला और दे कैन हैव सीलिया फ्लैजिला एंड सीलिया स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बोथ ऑफ देम दे हेल्प इन लोकोमोशन दे हेल्प इन मूवमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो फ्लैजिला होते हैं दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ओके एंड सीलिया जो होंगे वो पूरी बॉडी के ऊपर शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कहेंगे हम उन्हें और जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग होंगे एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है जो सीलिया होते हैं दे आर मोर इन नंबर पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर मोर इन नंबर और जो फ्लैजिला हैं they uh, can they might be one or two flagella so they are less in number as compared to cilia so generally is form का structure आपने देखा होगा so these are flagella लेंथ ज़्यादा होती है सीलिया में लेंथ uh, कम होती है शॉर्ट हेयर लाइक projections और उसमें फ्लैजिला में थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस लॉन्ग होते हैं एंड नंबर की बात करें फ्लैजिला कम होते हैं वन और टू फ्लैजिला एंड सीलिया जो होंगे वो न्यूमरस होंगे पूरी बॉडी पे स्प्रेड होते हैं

एंड फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन सो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा में जब स्प्लिट होगा एक से ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस करेगा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा तो वो मल्टीपल फ्यूजन होगा तो हमें डिफरेंस भी पता है ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ओके एक से आ, आगे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा एंड जो डॉटर सेल्स बनते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपीज बिकॉज कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है सारा जेनेटिक कंटेंट एक ही पेरेंट का जाएगा सो जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपीज दे आर क्लोन्स एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व वन विल बी मेल वन विल बी फीमेल एंड दोनों के फ्यूजन से जो करेक्टर्स आएंगे जो डॉटर सेल्स में करेक्टर्स आएंगे इन दोनों के कॉरी कॉम्बिनेशन से आएंगे इन दोनों के फ्यूजन से दोनों करेक्टर्स सो so, जो न्यू डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स के उसमें चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स करेक्टर्स सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट जाइगॉट क्या होता है जब मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज़ करते हैं तो जो सेल प्रोड्यूस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द दाइगॉट ओके सो अब मेल एंड फीमेल गेमीट्स गेमीट्स क्या होते हैं सेक्स सेल्स जो हेल्प uh, करते हैं रिप्रोडक्शन में सो मेल्स गेमीट फीमेल गेमीट विल भी देयर बोथ ऑफ दम दे फ्यूज एंड अ सेल विल बी फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड एज द जईगॉट इस जयगॉट के अंदर दोनों कर के करेक्टर्स होंगे मेल के भी फीमेल के भी मिक्सचर ऑफ बोथ द करेक्टर्स सो ये आइडेंटिकल नहीं होते इनमें वेरिएशन होते हैं ये जीरोक्स कॉपीज नहीं होती बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ओके सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जयगॉड की फॉर्मेशन में एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फ्यूजन और बाय मल्टीपल फ्यूजन फाइन सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा अगर हम प्रोटेस्टा की सब क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास फाइव क्लासेस आती हैं फर्स्ट इज क्राइजोफाइट्स सेकेंड इज dinoflagellates third euglenoids fourth slime moles and fifth protozoans so in this video we discussed about the general characteristics of kingdom protista and about the subclassification of protista in the next video we will discuss about the uh, classifications in detail each classification in detail Thank you so much. Take care.